से मिलिए। इनसे मिलिए। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी भेंट करवा रहे हैं फिल्म जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री रमा विज से। भेंट कर रही हैं सविता बजाज। आज मैं अपने सुनने वालों की मुलाकात एक ऐसी खूबसूरत टैलेंटेड अदाकारा से करवा रही हूँ जिन्होंने वैसे तो बहुत फिल्मों में काम किया है लेकिन एक फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है। आप रंगमंच पर भी काम कर चुकी हैं और टीवी पर भी। आइए इनसे मिले। इनका नाम है रमा विज। रमा जी नमस्ते। नमस्ते सविता जी। रमा जी आप तो कई साल पहले फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स करके निकली। जी हाँ। वैसे दिल्ली में आप मशहूर थी स्पोर्ट्स वुमन। जी हाँ। तो स्पोर्ट्स वुमन फिल्मों में कैसे चली आई? भाई ऐसा है जब मैं स्कूल में थी छोटेपन से ही स्पोर्ट्स का शौक तो बहुत था मगर साथ साथ ही मुझे एक्टिंग का भी शौक था। हालांकि स्टेज पे स्कूल में बहुत ज्यादा तो नहीं किया फिर भी कुछ स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जिसमें प्राइज भी लिया था। अच्छा। एक्टिंग में आने से पहले मैंने स्पोर्ट्स में काफी प्राइज वगैरह जीते थे जैसे हॉकी की मैं कैप्टन भी रह चुकी हूँ दिल्ली में। लेकिन उसके बाद जो एक्टिंग का भूत था वो तो किसी ना किसी तरह निकालना ही था। पूना इंस्टीट्यूट आ गए। रंगमंच से आप कहाँ तक जुड़ी रही? मेरा मतलब फिल्मों में आने के बाद भी या फिल्मों में आने के बाद एकदम छोड़ दिया? नहीं रंगमंच पे मैंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया स्कूल में मैंने कुछ प्लेस किए थे उसके बाद पूना इंस्टीट्यूट में आ गए। पूना से जब मैं बॉम्बे में आई बॉम्बे में आकर कुछ प्लेस में काम किया है। पृथ्वी थिएटर्स में भी आर्ट शो मैंने एक चादर मैलीसी के किए हैं। तो आपकी बातों का ये मतलब हुआ कि अभी भी आप रंगमंच से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ थोड़ी बहुत हूँ अभी भी। जब कभी वक्त मिल जाता है तो मैं प्ले जरूर करती हूँ। हिंदी में भी करती हैं? हाँ जी हिंदी और पंजाबी दोनों में। अच्छा। रमा हमारी फिल्मों की बात बीच में रह गई थी। हाँ जी। वो ये कि जब आप इंस्टीट्यूट से निकली तो सबसे पहले कौन सी फिल्म मिली थी? सबसे पहली मेरी फिल्म थी पल दो पल का साथ शेखर कपूर के साथ बी आर इशारा प्रोडक्शंस की। लेकिन जो मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी वो थी टैक्सी टैक्सी अमोल पालेकर के साथ। अच्छा। मोहन एवी मोहन की फिल्म थी वो सबसे पहले रिलीज हुई थी। अच्छा। और उस फिल्म का कुछ असर हुआ दर्शकों पर? मतलब तुम्हारी पहचान तो उस फिल्म से हुई ना? हाँ मेरी पहली फिल्म रिलीज वही थी ऑल ओवर इंडिया और लोगों ने काम की बहुत सराहना भी की थी। इवन क्रिटिक्स ने बहुत अच्छा लिखा था उसके बारे में। लेकिन एक बात कहूँ तो बुरा नहीं माना जितनी शोहरत आपको चंद परदेसी से मिली जिसको नेशनल अवार्ड मिला जी मेरे ख्याल से आज तक आपकी किसी फिल्म को नहीं मिला। उसमें आपके काम की भी काफी तारीफ हुई एज एन एक्ट्रेस। हाँ आपकी बात सही है क्योंकि चंद परदेसी जिस कैलिबर की फिल्म बनी है मेरी बाकी फिल्में अच्छी बनी लोगों को पसंद भी आई मगर उस कैलिबर की वो नहीं थी। चंद परदेसी बहुत ही एक बढ़िया फिल्म बनी है। कहते हैं ना कि फिल्म बन जाती है बनाई नहीं जाती है। तो इस फिल्म के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। अच्छा ये तो पंजाबी फिल्म थी। जी हाँ। तो जाहिर है आप और भी रीजनल फिल्म्स में काम कर रही होंगी या करना चाहती हैं? ऐसा है कि चंद परदेसी के बाद क्योंकि फिल्म बहुत सुपर हिट चली गई थी हालांकि इसके एक्टर सब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ही थे। सबकी पहली पंजाबी फिल्म थी मेरी भी कुलभूषण की भी राज बब्बर की भी ओमपुरी की भी। और क्योंकि फिल्म सुपर हिट हो गई उसके बाद बहुत सी पंजाबी ऑफर्स मुझे आने लगी तो फिल्में मैं करती चली गई। उसके बाद मैंने कुछ 10-12 पंजाबी फिल्में की। रमा इस बीच एक बड़ी अजीब सी बात है वो ये कि एक तो चंद परदेसी में इतनी शोहरत मिली आपको। हाँ जी। और फिर आप एकदम से अचानक गायब हो गई। नहीं ये बात नहीं है। चंद परदेसी के बाद मैं गायब नहीं हुई। चंद परदेसी के पहले मैं गायब थी। पहले गायब थी? जी हाँ। मतलब वो ऐसा है कि जब मैं चंद परदेसी मैंने फिल्म ली उस फिल्म को कंप्लीट करने तक और उससे थोड़ा सा पहले मैंने फिल्में लेनी बंद कर दी थी। अब उसकी क्या वजह है? पर्सनल वजह हो सकती है। हाँ। मैं पूछूंगी नहीं। जी हाँ। तो वो कुछ खास वजह थी जिसकी वजह से मैं फिल्म लाइन छोड़ रही थी। खैर जब चंद परदेसी क्योंकि सिर्फ वही फिल्म थी मैं जो कंप्लीट कर रही थी उसके बाद मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं दोबारा फिल्म लाइन में आऊंगी। अच्छा जब दोबारा आ ही गई तो कुछ मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा दोबारा एस्टेब्लिश करने में फिल्म इंडस्ट्री में? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ
हालांकि मैं जो समझती हूँ कि जहां मुझे होना चाहिए था वहां तो मैं अभी नहीं हूं। ये बात तो मैं भी पूछने वाली थी, क्यों नहीं है, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि यू आर सो टैलेंटेड, ब्यूटीफुल, से थैंक यू हर चीज है, आपने आपका किसी चीज बहुत की बहुत किसी शुक्रिया चीज की कमी नहीं है, फिर जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंच पाई, ऐसी क्या मैंने वजह कहा ना, सबसे बड़ी गलती तो मेरे से ये हुई कि मैंने फिल्में लेनी बंद कर दी थी। लेकिन जब मैंने दोबारा सोचा कि नहीं, फिल्में करनी ही हैं, और वो बात दिमाग में आई चंद परदेसी जब सुपरहिट हो गई और बहुत से पंजाबी प्रोड्यूसर्स मेरे पास आने लगे, तो क्योंकि चंद परदेसी से नाम तो हो ही गया था, और जब इतनी प्रोड्यूसर्स की लाइन लग गई और मैं हिंदी फिल्मों से आउट ऑफ टच भी थी, टाइम था, मैंने कहा क्यों नहीं पंजाबी फिल्में की जाएं, तो 10-12 पंजाबी फिल्में कर ली। पैसा भी अच्छा था, रोल्स अलग अलग किस्म के थे, तो थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिलने लगी। मिली। अच्छा, तो आज तक जो हिंदी फिल्में आपने की हाँ जी, उसमें क्या किसी किरदार को निभाते हुए थोड़ी भी सेटिस्फेक्शन मिली? नहीं ऐसा है, जितनी फिल्में मैंने हिंदी में की हैं, टैक्सी टैक्सी, आरंभ आरंभ में मुझे इट वाज अ वेरी गुड रोल, उसमें मुझे BGF का अवार्ड भी मिला था फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस, और जख्मी इंसान, इसमें सब में मैंने अलग अलग किस्म के रोल अदा किए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये अलग अलग जो आप पात्र निभाती हैं उसमें क्या किसी भी रोल को करते हुए सेटिस्फेक्शन मिलता है, या लगता है नहीं यार बहुत हो गया, कहीं सेटिस्फेक्शन तो मिलती नहीं? भाई सेटिस्फेक्शन मुझे जो अब तक मिला है वो मिला है चंद परदेसी में, वैसा सेटिस्फेक्शन मुझे किसी और फिल्म में अभी तक नहीं मिला। ओहो, तो मैं चाहती हूँ कि वैसी बढ़िया बढ़िया फिल्म्स मेरे पास आए, अच्छा, कभी ताकि करेक्टर रोल भी करना चाहते हो या सिर्फ लीड रोल ही करती रहोगी? मेरे ख्याल से हर रोल जो मैं निभाती हूँ अपनी किसी भी फिल्म में, वो अपने आप में एक करेक्टर होता है, वाह, बहुत खूब। और अलग अलग करेक्टर तो अपने आप ही हो जाते हैं। और एज एन आर्टिस्ट मैं चाहती हूँ कि मैं लीड रोल्स करूँ, क्योंकि उसमें आपको अलग अलग किस्म के रोल करने को मिल जाते हैं। क्योंकि अपनी हिंदी फिल्मों में और कोई भी ओरिजिनल फिल्म्स भी ले लो, ज्यादातर ये हीरो ओरिएंटेड फिल्म्स होती हैं, हीरोइंस की बहुत कम आती हैं, तो उसमें भी अगर आप साइड रोल्स या कुछ और कर लें तो करने का कुछ रह नहीं जाता है। माफ करना, मैंने आपको लावा में देखा था, गेस्ट अपीयरेंस में। वो नहीं, कुछ रोल तो मैंने कहा ना कभी कभी तो होते ही हैं, ऐसी बात नहीं, मगर कम होते हैं, तो उन कम में से भी आप अगर थोड़े और कर लेंगे तो फिर कहाँ तक जाएंगे। अच्छा रमा, आपने मेरे ख्याल से और भी फिल्मों में काम किया ना, कोई रीजनल फिल्म, इंग्लिश की एक फिल्म में भी किया था? जी हाँ, मैंने एक इंग्लिश फिल्म में काम किया है, फार पेविलियन में, तो बाकी रीजनल फिल्म में करना चाहोगी अगर ऑफर मिले तो? पंजाबी में तो मैं कर ही रही हूँ। एक और फिल्म है मिट्टी बलिदान की, उसको हम दो लैंग्वेज में बना रहे हैं, एक बुंदेली भाषा में और हिंदी में, तो लीड वो रोल भी तो एक नहीं? लीड रोल। तो एक लैंग्वेज है जिसमें मैं बहुत मन है मेरा काम करने का, वो है बंगाली लैंग्वेज, देखो कब मुझे चांस मिलता है, मगर जरूर करना चाहूंगी। अच्छा रमा, आजकल तो टीवी सीरियल्स भी बहुत चल रहे हैं, बहुत मेरे पॉपुलर हो ख्याल गए उसमें भी हैं आप काफी बिजी होंगे, तो अब तक, मैं बहुत बिजी हूँ सीरियल्स में। सीरियल भी करती हो, रंगमंच भी करती थी, कभी कभी करना चाहती हो, फिल्में भी करती हो, हाँ हाँ जी, रीजनल भाषा में भी और हिंदी की भी करती हो, हाँ जी तो इसके अलावा और क्या हॉबीज हैं, मतलब समय कहाँ से निकालती हो इतना सब करने के लिए? भाई, मैं चाहती हूँ कि मैं हर वक्त बिजी रहूं, और वही मेरे साथ आजकल हो रहा है, मगर ऐसा नहीं है, बीच बीच में वक्त मिल जाता है तो मैं अपने हेल्थ क्लब जाती हूँ फिगर को देखते हुए शायद इसीलिए गाड़ी इतनी फास्ट चलाते हैं। गाड़ी, खैर गाड़ी चलाने का हेल्थ इज बहुत, वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। तो मैं टेनिस खेल लेती हूँ आजकल जाके, हॉकी तो छोड़ दिया जो पहले खेला करती थी, मगर टेनिस खेलती हूँ अभी भी, स्विमिंग कर लेते हैं कभी कभी। अच्छा रमा, मेरे ख्याल से आप ही एक ऐसी आर्टिस्ट हैं जिसने 8 फिल्मों के बारे में कोई बात नहीं की, क्या कभी 8 फिल्म में काम किया? अभी एक फिल्म मैंने कंप्लीट की है तेरे शहर में, नसीरुद्दीन शाह के साथ, जो सागर सरहदी ने बनाई है, 8 फिल्में। 8 फिल्म ही कहना चाहिए उसे। अब फिल्म बाहर आ जाए तो आप भी देख लीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छा, 8 फिल्म भी कर ली हैं, बाकी क्या बचा? खाना वाना भी बाकी अच्छा बनाती होंगी? खाना ठीक है, कुछ खास शौक नहीं है खाना खाने का, मगर ठीक है, चलता है अच्छा अच्छा। रामा, एक बात और है,
इतना सब होने के बाद भी कभी कभी ऐसा नहीं लगता बहुत कुछ छूट गया, जैसे कि नहीं मैंने एक्टिंग बहुत कर ली है अब मैं डायरेक्टर बन जाऊं जैसे और लेडीज बन रही हैं? नहीं अभी अभी मैं एज एन एक्ट्रेस ओनली थोड़ा और आगे ऊपर जाना चाहती हूँ। कहाँ ऊपर? ऊपर नहीं बाबा, इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे। ऊपर वहाँ नहीं, ऊपर वहाँ नहीं, खाली अपने क्षेत्र में, किरदार के हिसाब से अपने क्षेत्र में, एक्टिंग में। नुक्कड़ से मुझे काफी रिकॉग्निशन मिला है एज एन एक्ट्रेस आल्सो, लोग बहुत तारीफ करते हैं रोल की। मैंने नियो फिल्म्स के लिए श्रीकांत में बहुत अच्छा किरदार निभाया है। डायरेक्टर अभी नहीं मैं सोचती, मैं प्रेजेंट टेंस में सोचती हूँ, आज क्या है मैं उसको सोच रही हूँ, कल शायद, क्यों नहीं, क्योंकि फिल्म मेकिंग में मेरा बहुत रुझाव है। जब कभी मैं सेट पे कैमरे के सामने काम करती हूँ उसके पीछे क्या हो रहा है उसके ऊपर भी ध्यान देने की कोशिश करती हूँ, सीखने की कोशिश करती हूँ। रमा, आजकल हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। वीडियो फिल्में बन रही हैं, टीवी सीरियल्स बन रहे हैं, और टीवी फिल्म्स बन रही हैं छोटी छोटी, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की, और उसके मुकाबले में हिंदी फिल्में कम बन रही हैं, और आप जो हैं वो ज्यादा पॉपुलर हुई हैं टीवी सीरियल से, जैसे नुक्कड़ है, विक्रम और बेताल है। तो आपको क्या लगता है दोनों में फर्क क्या है, अच्छा है या बुरा है? भाई फर्क, फिल्में अपनी जगह है, सीरियल्स अपनी जगह है, और कोई भी नया मीडिया जब चालू होता है तो शुरू शुरू में लगता है कि पहला जो मीडिया है उसको नुकसान पहुंच रहा है बिजनेस के हिसाब से, मगर मुझे लगता है कोई भी जब नया मीडिया चालू होता है वो आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट पहले के साथ कर लेता है, और वही होगा भी, क्योंकि ये टेलीविजन मीडिया हैज कम टू स्टे, और बहुत अच्छा है, लोगों को अपने घर में ही बहुत कुछ नया नया देखने को मिल जाता है। अपने जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं कई बार कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो वो फिल्मों में नहीं दिखा पाते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, टेलीविजन पे वो रिस्क लिए जा सकते हैं, क्योंकि टेलीविजन पे रिलीज तो होगी ही फिल्म या ये सीरियल जो कुछ भी है, सो आई थिंक इट्स गुड। लेकिन रमा, ऐसा नहीं लगता है कि टीवी जो है वो छोटे लोगों को के लिए ज्यादा फायदेमंद है? लेकिन अभी क्या हुआ है, जितने बड़े बड़े बैनर वाले हैं वो भी टीवी सीरियल बना रहे हैं, तो छोटे लोग मीन जिनको बड़े बड़े थिएटर नहीं मिलते, फिल्म बनाते हैं और उनकी फिल्म 4 साल 5 साल डब्बे में पड़ी रह जाती है, कम से कम वो टीवी पर रिलीज तो कर सकते हैं ना, लेकिन अभी बड़े बैनर वाले भी इसी फील्ड में आ गए हैं तो छोटे कहाँ जाएंगे भाई? कोई भी नहीं लगता भाई, ऐसा है कोई भी नया मीडिया आएगा सभी लोग उसमें कूदेंगे, पैसा है, पैसा फिल्म्स में भी है, पैसा सीरियल में भी है, और सभी चाहते हैं कमाना, सभी हर मीडिया में काम करना चाहते हैं। आई थिंक इट्स फेयर इनफ। अच्छा, रंगमंच के जितने लोग हैं वो आजकल टीवी सीरियल में भाग रहे हैं, उनको बहुत काम मिल रहा है। अब रंगमंच में क्या है, मुझे लगता है जिस हिसाब से मैं सोचती हूँ, एक एक्टर के लिए एज अ वर्कशॉप इट इज वेरी गुड, आई मीन अपने हिंदुस्तान में, लेकिन कैरियर वाइज रंगमंच पे लोगों को मतलब कैरियर नहीं बना पाते हैं। रिकॉग्निशन मिलती है, नाम मिलता है। रिकॉग्निशन मिल सकता है मगर पैसा नहीं है। अब जो लोग, अब रहने के लिए पैसा तो चाहिए, लोग टेलीविजन सीरियल्स में जा रहे हैं, वहाँ पे उनको अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से काम भी मिलता है और पैसा भी मिलता है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आई, अच्छी अच्छी बातें की। नमस्ते। नमस्ते जी। इनसे मिलिए। आज इस कार्यक्रम में हमने आपकी मुलाकात फिल्म जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री रमा विज से करवाई। भेंट कर रही थी सविता बजाज। इनसे मिलिए।